बॉडी शेमिंग आज भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है और लोग आज भी इस चीज़ का सामना करते आए हैं। ये सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस तक या नॉर्मल लोगों तक नहीं, ये हर किसी के ऊपर है। स्पेशली जब बात लेडीज़ की कर ले तो बात ही अलग है। हर चीज़ का थोड़ा सा एक दो किलो बढ़ा क्या लिया या कम क्या कर लिया, लोग ट्रोलर्स तो करते ही करते हैं। ट्रोल तो होना ज़रूरी ही बन गया है अभी के रेट में। ऐसे ही कुछ ट्रोलर्स ने ट्रोल किया था दलजीत कौर को उनके बॉडी शेप के ऊपर। क्या है पूरी कहानी, आइए देखते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फोर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। एक्ट्रेस दलजीत कौर बहुत जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली है। 18 मार्च 2023 को इनकी शादी है। जी हाँ, निखिल पटेल के साथ इनकी शादी होने जा रही है। निखिल पटेल के साथ ये उनकी सेकंड मैरिज है। आपको बता दें कि निखिल पटेल की भी ये सेकंड मैरिज होगी दलजीत कौर के साथ। इनकी जो फर्स्ट मैरिज थी, उस फर्स्ट मैरिज में निखिल पटेल को ऑलरेडी दो बेटियाँ हैं और दलजीत कौर को फर्स्ट मैरिज से एक बेटा भी है और उनका बेटा दलजीत कौर के साथ ही रहता है। दलजीत कौर पहली बार मीडिया इंटरेक्शन के दौरान एक चीज़ सामने से बोली है, दैट इज़ कि कुछ साल पहले जब उनको बेटा हुआ था, उनका बेटा जब हुआ था उनकी फर्स्ट मैरिज से, उसके बाद से उनका जब बॉडी शेप चेंज हुआ, जो जो चीज़ें एक लेडीज़ को फेस करना पड़ता है आफ्टर बेबी, वो सब चीज़ें जब उनके साथ हुआ तो उनको कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए बहुत सारे सामना करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको जूझना पड़ा। बिकॉज मीडिया इंडस्ट्री में चकाचौंध दिखना तो ज़रूरी होता ही है और काम मिलने के लिए आपको हमेशा फिट एंड एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। और जिस वजह से उनके शेप चेंज हुआ था, उन्होंने ये तक कहा है कि जितने सारे प्रोजेक्ट को मैंने साइन किया था वो सारे प्रोजेक्ट भी मेरे हाथ से निकल गए। और क्या, वेट लॉस करने के लिए उन्होंने एक पाउडर का इस्तेमाल किया था जिस वजह से उनका डिस्कलरेशन होना भी शुरू हो गया था। जी हाँ, डिस्कलर होने की वजह से, सांवलापन आने की वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी लूज़ होने लगा और उनको ये लगा क्या पता इस इंडस्ट्री में मैं काम कर पाऊँगी या नहीं। बट वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहीं राह है। उन्होंने अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आए और वापस से अपने शेप में आ गई। हमें खुशी इस बात की है कि दलजीत कौर वाकई पहले की तरह अब भी सोशल मीडिया और न्यूज़ में छाई रहती है। आपको बता दें कि दलजीत कौर भी 2019 में बिग बॉस सीजन 13 में पार्टिसिपेट कर चुकी है एज अ कंटेस्टेंट। उसके बाद से दलजीत कौर वापस से लाइमलाइट में आना शुरू हो गई और अब तो सुर्खियां बटोरने लगी है, क्योंकि 18 मार्च 2023 को दलजीत कौर निखिल पटेल के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। उन दोनों को हमारी ओर से खूब सारी शुभकामनाएं। दलजीत कौर के बारे में मैं और चीज़ आप तक पहुंचाना चाहती हूं। वो ये है कि शालिन भनोट के साथ इनकी फर्स्ट मैरिज हुआ था 2009 में। साल 2009 में शादी के बंधन में बनने के बाद दोनों ने नचबली सीजन में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने साथ में ट्रॉफी भी जीती थी। बट कुछ आपसी मतभेद के बाद और कुछ टाइम के बाद रिलेशन ना चलने की वजह से 2015 में दोनों सेपरेट हो गए थे। कुछ सालों के बाद आज अब 2023 में दलजीत कौर को एक और बार फिर से प्यार होता है और अभी वो शादी के बंधन में बनने जा रही है। हमें दोनों के लिए बहुत खुश है। निखिल पटेल और दलजीत कौर को शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ऐसे अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए फिफा फूल्स।